तो चलिए हम लोग समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक जो ई दृष्टि निकालता है उसके अगले टॉपिक की तरह हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आपका राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा खत्म हो चुका है, विदेश परिदृश्य भी पूरा खत्म कर चुके हैं। आपके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो इंटरनेशनल रिलेशन है, फिर चाहे इंटरनेशनल कोई मुद्दे रहे हों, इशू रहे हों, तो उनके बारे में भी हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी देख चुके हैं। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन, क्योंकि आप देखते हैं इनसे भी आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे। तो अभी तक जितनी भी आपकी क्लासें खत्म हो गई हैं वो समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनाई हुई है उसी में डली हुई है। ठीक, लास्ट में क्या करेंगे कि ये पूरा एक जोड़ देंगे, मर्ज कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है, तो इन्हें आप लोग छोटी छोटी क्लासों को क्रमशः डली हुई है पढ़ते रहिए। और आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस के लिए तो एक तरह से कहिए मैन ही बुक्स लिखी ही जाती है, फिर चाहे आपका यूपीएससी हो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है या कोई भी और अन्य स्टेट एग्जाम रहते। इसमें आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन की बात करें तो आपने हाल ही में देखा है कि श्रीलंका संसदीय चुनाव हुआ है 2020 में, तो 6 अगस्त 2020 को घोषित चुनाव परिणामों में महिंद्रा राजपक्षे के नेतृत्व वाली पार्टी श्रीलंका पोडू जना पेरुमुना, इसे आप लोग SLPP के नाम से भी जानते हैं, इसने 145 सीटों के चुनाव के साथ चुनाव जीत हासिल की है। ठीक है, तो याद रखना, आपको तो इतना याद रखना है कि महिंद्रा राजपक्षे वाली पार्टी ने जीत हासिल की है। 9 अगस्त 2020 को महिंद्रा राजपक्षे को श्रीलंका का पुनः प्रधानमंत्री चुना गया है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि महिंद्रा राजपक्षे इन्हों को इन्हें क्या चुना गया है, प्रधानमंत्री। और याद रखिए आपको कि 11-21 नवंबर 2019 महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। इस चुनाव में सजित प्रेम दासा के नेतृत्व वाली पार्टी सामगी जना वलो गया, जिसे आप लोग SJB कहते हैं, इसे 54 सीटों के साथ द्वितीय स्थान पर रही है। कहने का मतलब है कि ये हार गए चुनाव। तो सीधा सा याद रखिए कि महिंद्रा राजपक्षे चुनाव जीते हैं और ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। फिर आपने देखा होगा कि सीरिया में संसदीय चुनाव भी हुए 2020 में, तो 19 जुलाई 2020 को सीरियाई संसद के लिए हुए चुनाव में बशर अल असद के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय प्रगतिशील मोर्चा ने 250 सीटों वाली संसद में 177 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त किया है। कितनी सीटें मिली हैं इन्हें, इन्हें सीटें मिली हैं आपकी 177 सीटें मिली हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। दो सौ पचास टोटल सीटें हैं और उसमें से इन्हें मिल गई आपकी 177। उसके बाद देखेंगे कि बशर अल असद ने अपने बात पार्टी के साथ अन्य सीरियाई पार्टियों को मिलाकर राष्ट्रीय प्रगतिशील मोर्चा का गठन किया है। और याद रहे कि सीरिया में प्रत्येक 4 वर्षों में संसद के लिए आम चुनाव होते हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब आपके यहाँ जैसे 5 साल में होते हैं तो यहाँ 4 साल में होते हैं। आपने देखा होगा कि 2016 में के संसदीय चुनाव में बशर अल असद ने 200 सीटों के साथ जीत दर्ज की थी। ठीक है, 2016 के चुनाव में। पर आपने देखा है कि सिंगापुर के आम चुनाव भी हुए 2020 में ही। 10 जुलाई 2020 को सिंगापुर में आम चुनाव संपन्न हुए। पीपल्स एक्शन पार्टी यानी कि PAP के ली सीएन लुंग लगातार यहां 5वीं बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं। और पीपुल्स एक्शन पार्टी ने इन चुनाव में 93 संसदीय सीटों में से 83 सीटों पर दर्ज की, यानी कि काफी अच्छी कह सकते हैं आप लोग। वर्कर्स पार्टी में इस संसदीय चुनाव में 10 सीटें जीती हैं। पर आपने देखा है कि आइसलैंड में राष्ट्रपति चुनाव भी हुए हैं। कहां, आइसलैंड में। तो 27 जून 2020 को राष्ट्रपति पद के लिए आइसलैंड में संपन्न हुए चुनाव में गुडनी जोहानसन को 92.2% मतों के साथ पुनः राष्ट्रपति बना दिया गया, चुना लिया गया। ठीक है, तो इन्हें नाम याद रखिए। राष्ट्रपति पद के दूसरे उम्मीदवार गुड मुंडूर फैंकलिन जोसन थे। गुडनी जोहानसन दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। याद रहे कि 2016 में इन्हें प्रथम बार आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया था।
अरे हमारे यहाँ के नाम ठीक रहते हैं, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, आप सोचिए अमित शाह, कितने मतलब सरल नाम है, राम सीता, यहाँ के पता नहीं कितने नाम कभी कभी लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। चलिए खैर क्या कर सकते हैं। फिर आपने देखा है कि मलाली मलावी में भी राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। 23 जून 2020 को मलावी में हुए राष्ट्रपति चुनाव में लाजरस चकवीरा ने अपने प्रतिद्वंदी पीटर थोराइका को पराजित कर जीत प्राप्त की है। और पीटर मुथारिका मई 2014 से जून 2020 के मध्य मलावी के राष्ट्रपति थे। आप सोचिए कि मुझे लगता है कि वहां के लोगों को इस तरह के नाम लेने में मतलब सरलता यानी कि साधारण लगते होंगे, और हमारे यहाँ के नाम लेने में उन्हें परेशानी होती थी होगी, लेकिन हम लोगों को अलग अलग है, अपना अपना संस्कृति, अपना अपना कल्चर है। पीटर मुथारिका के ऊपर अनियमितताओं के आरोप और जन प्रदर्शनों के कारण मई 2019 के मलावी आम चुनाव को मलावी उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था, और फरवरी 2020 में मलावी उच्च न्यायालय से 150 दिन के अंदर पुनः चुनाव कराए जाने का निर्णय दिया। और याद रखिए चुनाव में लाजरस चकवेरा को 59.34% और पीटर मुथारिका को 39.92% मत प्राप्त हुए। ठीक है, यह भी अच्छी बात है। फिर आपने देखा है कि इसराइल में भी संसदीय चुनाव हुए हैं 2020 में। 2 मार्च 2020 को इसराइल की 23वीं संसद के लिए चुनाव संपन्न हुए हैं। याद रहे कि चुनाव चुनाव नतीजों के आधार पर इसराइल की किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। वहां राजनीतिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई, और इजराइल की संसद में 120 सीटें हैं, और बहुमत के लिए आपको कितने सीटें, 61 सीटों की जरूरत पड़ती है। बेंजामिन तीन नेतन्याहू की लिक्वुड पार्टी को 36 सीटें प्राप्त हुई हैं। बेनी ग्रेंट्स की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी को कितनी, 33 सीटें प्राप्त हुई हैं, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी यही की बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी रही है। इसराइल के संसदीय चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने से बेंजामिन नेतन्याहू ने बेनी ग्रेंट्स के मध्य गठबंधन के लिए समझौता हुआ है इन दोनों के बीच, और सरकार बनाई है। इस समझौते के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गेट्स क्रमिक रूप से इसराइल के प्रधानमंत्री का पद भार संभालेंगे, यानी क्रम क्रम से। बेनी गेट्स जी को गठबंधन समझौते के अनुसार नवंबर 2021 तक वैकल्पिक प्रधानमंत्री बनाया गया है। फिर आपसे बात करते हैं कि ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हुई, तो 22 जनवरी 2020 को ग्रीस की संसद ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कैटरीना सकेला रोपोलो को निर्वाचित किया है। कैटरीना ग्रीस की 13वीं राष्ट्रपति हैं, क्वेश्चन नंबर की 13वीं की। 13 मार्च 2020 को इन्होंने पदभार भी संभाला है। अच्छी बात है कि 13 नंबर की हैं और 13 तारीख को इन्होंने पदभार भी संभाला। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। और विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति अर्जेंटीना की इसाबेल मार्टिनेज डी पेरोन थी, जिन्होंने अपने पति जुआन डी पेरोन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद का संभाला था। विश्व की बात की जा रही है, समझ रहे हैं आपको। और आपको बताना है कि हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये भी आप नीचे लिखिए। ब्रिगिटिस फिन बो डोटिन ने 1 अगस्त 1980 से 1 अगस्त 1996 तक आइसलैंड की चौथी राष्ट्रपति के रूप में काम भी किया था। ठीक है, तो याद रखें। या लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति थी, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति विधवा पाटिल थी, जिन्होंने कार्यकाल राष्ट्रपति का कब से, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक चला। आपके मतलब क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया। फिर आपने देखा है कि सना मारिन विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है, मतलब सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बन गई है सना मारिन। 10 दिसंबर 2019 को 34 वर्षीय सना मारिन ने फिनलैंड की प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला है। 34 वर्षीय सना मारिन वर्तमान में विश्व में किसी भी देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। सना मारिन ने पहले यूक्रेन के ओलेक्सी होनचारूक विश्व के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जो 35 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। उनके बाद आप देखेंगे आप 34 वर्ष में ए बन गई है। इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न 37 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बनी थी। राजीव गांधी आप जानते हैं 40 वर्ष की आयु में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, तो आपके देश में राजीव गांधी थे। ठीक है, सना मारिन अन्नेली जातिमाकी और मारी क्विनीमी के बाद फिनलैंड की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं।
बड़े अजीब नाम है, क्या करें बताइए। फिर आपने देखा है कि श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव भी हुए थे, और 16 नवंबर 2019 को श्रीलंका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में गोटाबाया राजपक्षे ने अपने प्रतिद्वंदी सजित प्रेमदासा को पराजित किया है, और श्रीलंका पुडुजना पेरुमुना पार्टी के उम्मीदवार गोटाबाया राजपक्षे ने कुल आप देखेंगे आपकी 69,24,255 मत, यानी कि 52.25 प्राप्त हुए हैं इन्हें टोटल मत का। और न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार सजीत प्रेमदासा को आपका ये आप देखेंगे 55,64,239, यानी कि आपका 41.99% मत प्राप्त हुए। याद रहे कि गोटबाया पूर्व राष्ट्रपति एवं वर्तमान प्रधानमंत्री महिंद राजपक्षे के छोटे भाई हैं। आप कहिए कि एक ही पूरा परिवार इस देश को संभाल रहा है, आप ये कह सकते हैं। बड़ा आप समझ रहे हैं, एक भाई है प्रधानमंत्री है और एक राष्ट्रपति है, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। 18 नवंबर 2019 को गोटबाया राजपक्षे ने देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। गोटबाया ने पूर्व मैत्रीपाला सिरिसेना श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, यानी कि गोटाबाया से पहले। पर आपने देखा है कि ट्यूनेशिया में भी राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। कहाँ? ट्यूनेशिया में 13 अक्टूबर 2019 को ट्यूनेशिया में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में ट्यूनेशिया के प्रसिद्ध न्यायविद और पूर्व प्रोफेसर काइस सईद ट्यूनेशिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। काइस सईद, उन्होंने 72.71% मतों के साथ राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जो नबील करोई को मिली 1 मिलियन मतों के मुकाबले 2.7 मिलियन मत हासिल किए, यानी कि इनके प्रतिद्वंदी को 1 मिलियन मत मिले हुए हैं और वहीं इन्हें 2.7 मिलियन वोट मिले हैं। ठीक है, 23 अक्टूबर 2019 को पदभार ग्रहण कर उन्होंने मोहम्मद एन्नेसर अंतरिम राष्ट्रपति का स्थान ले लिया है। ठीक है, फिर आपने देखा है कि कनाडा का संघीय चुनाव भी हुआ है 2019 में ही। कहाँ का? कनाडा का। 21 अक्टूबर 2019 को कनाडा का संघीय चुनाव 43वां आम चुनाव है। किस नंबर का? 43वां। यहाँ आप देखेंगे कुल 200 माफ करिए 338 सीटों में वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी में ने सर्वाधिक 157 सीटों पर विजय प्राप्त किए। लिबरल पार्टी को कुल मतदान के लगभग 33% मत भी प्राप्त हुए, वोट भी। इस चुनाव में सर्वाधिक मत 34.4% एनडीयू सीर के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को प्राप्त हुए। इन्हें 121 सीटें मिली हैं 338 में से। और 20 नवंबर 2019 को जस्टिन ट्रूडो ने द्वितीय कार्यकाल हेतु कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। जस्टिन ट्रूडो ने नए मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के 4 व्यक्तियों को शामिल किया है। इनको याद रखना, अनीता आनंद, नवदीप बेंस और वर्दित चक्कर और हरजीत सज्जन, ये पूछ सकता है आपका नाम। ठीक है, तो हमारे भारत के लोग आप सोचिए विदेशों में भी पताका फहराने लगे हैं, वहां भी राजनीति करने लगे हैं। हम लोग बहुत महान हैं, आप समझ रहे हैं। कई ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ से चुने जाए, ऐसा दिन आए। देखिए कुछ भी हो सकता है। अल्बर्टो फर्नांडीज अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति। 27 अक्टूबर 2019 को अर्जेंटीना में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में न्यायवादी पार्टी के उम्मीदवार अल्बर्टो फर्नांडीज को विजय रहे हैं। फर्नांडीज को 48.1% मत यानी कि वोट प्राप्त हुए, जबकि इसके प्रतिद्वंदी तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मेक्री को 40.4% मत प्राप्त हुए। अल्बर्टो फर्नांडीज ने 10 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। पर आपने देखा है कि इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। 20 अक्टूबर 2019 को 58 वर्षीय जोको विडोडो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए के साथ शपथ ली है। ठीक है, जोको विडोडो। याद रहे कि 17 अप्रैल 2019 को इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ था। चुनाव का परिणाम 21 मई 2019 को घोषित किया गया था। आम चुनाव में जोको विडोडो 55.5% मत प्राप्त करने वाला करके राष्ट्रपति चुनाव जीतने में सफल रहे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी प्रबोवो सुबियांतो को 44.5% मत प्राप्त करके दूसरे स्थान पर हैं। विडोडो के साथ साथ 76 वर्षीय मारुकमीन
ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देखिए यहाँ क्या होता है कि डायरेक्ट कुछ चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कहने का मतलब यह है कि आप देखते हैं कि विधायक संसद के दोनों सदन के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा सदस्य, निर्वाचित सदस्य ही आपके किससे चुन लेते हैं, राष्ट्रपति को। और इसमें क्लियर मालूम चल जाता है कि एनडीए का या यूपीए का किसका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि जिसके पास बहुमत होगा उसी का आपको मिलेगा। अब देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से जब चुनाव हो रहा था तभी आप लोगों को मालूम चल गया था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनेंगे, क्योंकि बीजेपी के और बीजेपी की जो भी सहयोगी दल है एनडीए, उनके पास बहुमत था। समझ रहे, ऐसा मुझे लगता है कभी नहीं हो सकता है कि जब पक्ष में मतलब आप सोचिए कि पार्टी दमदार है, यानी कि जो सत्ता में पार्टी है उसके पास बहुमत है, और उसके विपक्ष वाला कोई राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, मुश्किल से कभी। अब देखिए आगे तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तो आप चाहोगे उसी राष्ट्रपति बनेगा, ये अलग बात है कि आप ना चाहें तो आप दूसरे को जितवा दें। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय आपके जो भी चुनाव हुए हैं उनके बारे में बात कर ली हम लोगों ने। इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है, इसमें एक आपका टॉपिक और बचता है अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसे हम लोग अलग से ही क्लास में कवर करेंगे। ठीक है।